अस्सलाम वालेकुम क्लासरी, आज हम लोगों ने पेज नंबर 94 करना है। पेज 94 पे देखें, आपके पास ऊपर दिया हुआ है डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर। रिमाइंडर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आज फिर रिमाइंडर का बता देती हूँ कि डिवीजन में आपको पहले मेथड एग्जांपल्स पीछे बता चुकी हूँ, उसी तरीके से आपने डिवाइड करना है। यहाँ पर आपने 5 का टेबल पढ़ना है, या तो आपके पास 28 आ जाए, अगर 28 नहीं आता तो 28 से छोटा है, इससे बड़ा नहीं लेना। तो अब 5 का टेबल 5 सा होता है 25, 5 5 25, 5 6 30 हम नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर वाले डिवाइडेंड जो है 28 उससे बड़ा हो जाता है, हमने इसे छोटा लेना है, उसके इक्वल लेना है। तो इस वजह से हमने 5 5 25 कर दिया। अब नेक्स्ट आपने 8 में से 5 को माइनस किया तो 3 आ गया, 2 में से 2 गए, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये नीचे 3 बच गया। अब नेक्स्ट देखें, हम दोबारा 5 को नहीं कर सकते क्योंकि 5 को अगर हम करते हैं तो वो 3 से बड़ा आ जाता है, तो इस वजह से यहीं पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा। और ये जो नीचे हमारे पास 3 बच गया, ये आपके पास रिमाइंडर होगा, जो नीचे रिमेनिंग नंबर बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसी तरह ये आपने ए से लेके एच तक करने और साथ इनके रिमाइंडर, साथ आर लिख देना कि रिमाइंडर है। और नेक्स्ट आपके पास वर्कआउट दी सम्स शोइंग द रिमाइंडर, इसमें भी आपने इसी तरह सॉल्व करने और इनके नीचे जो रिमाइंडर बचेगा सारा रिमाइंडर लिख देना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट द क्वेश्चंस शोइंग द रिमाइंडर वेयर नेसेसरी वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ठीक, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 51 डिवाइडेड बाय 10, इसमें आपने क्वेश्चन लिखना है और साथ रिमाइंडर लिखना है। क्वेश्चन आपको पता है डिवाइड करके ऊपर वाला जो नंबर आता है, यहाँ पे देखिए ऊपर 5 था ना, तो ये हमारा क्वेश्चन होता है और नीचे वाला रिमाइंडर। यहाँ पे देखिए मैंने साइड पे डिवाइड करके दिखाया है, 51 को अंदर रखा है, जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर रखते हैं और जो छोटा है छोटे से डिवाइड करते हैं। 10 5 50 होता है और 1 बच गया। तो अब देखें ऊपर वाला जो 5 था वो हमारा क्वेश्चन आ गया, वो 5 हमने यहाँ लिख दिया और जो नीचे रिमाइंडर बचा था उस साथ हमने REM रिमाइंडर और साथ 1 लिख दिया। इसी तरह आप लोगों ने सारे डिवाइड करने हैं, जो ऊपर वाला नंबर बचेगा पहले उसको लिखना है और जो नीचे वाला होगा फिर नीचे रिमाइंडर लिख के साथ नीचे वाला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास ए वाला है 78 डिवाइडेड - 7 रिमाइंडर 8। यहाँ पे आप लोगों ने 78 अंदर रखना है और आपने यहाँ पे डैश आपको दिया हुआ है, तो अब आपने ये खुद सोचना है कि हम यहाँ पे किस से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो 7 आएगा और जो रिमाइंडर होगा वो 8 होगा, आपने अब ये सोचना है। तो इसका एक तरीका ये है कि जब आपके पास 78 दिया हो और जब आपके पास क्वेश्चन में और रिमाइंडर में सेम वही नंबर है, देखिए यहाँ पे 7 8 दो हैं और यहाँ पे भी 1 7 आ रहा है और 1 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको 10 से डिवाइड किया है, क्योंकि 10 से ही आप डिवाइड करेंगे तो सेम नंबर्स एक जैसे आ जाते हैं। यहाँ पे 7 8 2, देखिए वैसे तो इकट्ठा पड़ेंगे 78, लेकिन यहाँ पे पूरा 78 था, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन में 1 7 आ गया और रिमाइंडर में 8 आ गया, मतलब यहाँ भी 7 8 हो गया और यहाँ भी 7 8, तो मतलब सेम, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे हम 10 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह बी वाला आप देखें, यहाँ पे उन्होंने डैश दे दिया, डैश डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 62 रिमाइंडर 4। अब यहाँ पे उन्होंने 10 से डिवाइड कर दिया है, अब आपको तो नहीं पता किसको डिवाइड किया किसको नहीं किया। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स मतलब सेम होते हैं, तो यहाँ पे जैसे देखें जहाँ पे हमने 10 से डिवाइड किया था तो यहाँ पे 78 था, तो जो फर्स्ट वाला नंबर था वो ये था और जो सेकेंड 8 था वो उसका रिमाइंडर बच गया था। इसी तरह जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा 62 वो आ जाएगा और जो रिमाइंडर बचा था 4, आप इसको डिवाइड करके देख लें तो आपके पास 62 क्वेश्चन होगा और 4 रिमाइंडर होगा। इसी तरह ही आपने सी से लेके एच तक करने हैं। नेक्स्ट आपके पास पेज नंबर 95 है, इस पे आपके पास डिवाइड वाले क्वेश्चंस हैं, ये पीछे एग्जांपल्स आपको मैं बता चुकी हूँ, सेम उसी मेथड से होंगे। पेज नंबर 96 पे भी डिवीजन वाले हैं, ये भी आपने उसी तरीके से सारे करने हैं।